हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोसिक्स, वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है, आपके भाग्य में क्या लिखा है जो आपको मिल के रहेगा। ओके, सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस प्रेडिक्शन, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है। तो आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो, एंड यू कैन लिटरली टेक द गाइडेंस। जब भी मैं बताती हूँ कि आपको किस तरह से सिलेक्शन करना है, आप लोग सबसे ज़्यादा वोट देते हो बाय द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो सो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार ही मैं करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज भी किया है डेट ऑफ बर्थ में ग्रुप वाइज। और अगर आप नहीं करना चाहते हो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, सो देयर इज दिस पीका कार्ड, ठीक है। सो फॉर ग्रुप ए ये है, फॉर ग्रुप बी ये है, ठीक है। यहाँ पे क्यूब्स हैं, तो ये क्यूब आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये क्यूब, या पिक्चर के हिसाब से आप कर सकते हो, ठीक है। पीका कार्ड के हिसाब से एक सेट है, यहाँ पे मैंने बना के मेडिटेट करके ऑलरेडी रख दिया है, ऑल राइट। और अगर आप नहीं जाना चाहते हो बाई पीका कार्ड, सो फॉर ग्रुप नंबर ए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1 4 7 8 9 12 14 15 18 20 21 24 26 29 and 30, ये है ग्रुप ए। फॉर ग्रुप नंबर बी वी डू हैव 2 3 5 6 10 11 13 16 17 19 22nd 23rd 25th 27 28 and 31st, दिस इज ग्रुप बी। वरना ये पिक्चर है ग्रुप ए, दिस इज ग्रुप बी। इस दौरान ये डेस्टिनी प्रेडिक्शन के दौरान हम ये भी देखेंगे कि आप क्या क्या, ठीक है, अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते जाओगे और आपको क्या क्या अचीवमेंट मिलेगा इन एवरी फील्ड। ये हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी हो, प्रोफेशनल हो, ट्रैवल हो, एजुकेशन हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, कोई भी सेक्टर्स हो सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टाइम स्टैम्प दिया हुआ रहेगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम में मैं रील्स देती हूँ, तो ज़रूर उसको देखें, एक्स्ट्रा वीडियोज़ आपको मिल ही जाता है। एंड डेफिनेटली आई डू ऑल्सो हैव अनदर चैनल, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर ग्रेटिट्यूड अदा करना है आपको। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फॉर ग्रुप ए, हाय हेलो ग्रुप ए, तो अगर आपने ये पिक्चर सेलेक्ट किया है, ठीक है, ओके, एंड अगर और आपका डेट ऑफ बर्थ है 1 4 7 8 9 12 14 15 18 20 21 24 26 29 and 30, तो दिस इज़ फॉर ग्रुप नंबर बी, ग्रुप नंबर ए, सॉरी, 1 4 7 8 9 12 14 15 18 20 21 24 26 29 and 30, दिस इज़ फॉर ग्रुप ए। मुझे लग रहा है ग्रुप बी ने पिक्चर वाइज इसको भी सिलेक्ट किया होगा कुछ लोगों ने। अच्छा, जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स है, डिफरेंट डेक्स है, आप जानते हो मेरे पास डिफरेंट डेक्स होते हैं, तो वहाँ से मुझे आपको क्लैरिटी देना होता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ डेक्स को। और दूसरा चीज़ है ताकि आपको ऑल टोटल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक साथ कर दिया, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या है। दिस इज़ टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, इसको हम बाद में देखेंगे। पीस कीपर यहाँ पे रख देते हैं, आई होप यू कैन सी देम। ब्रोकन एरो यहाँ पे है, डायरेक्शन गार्जियन यहाँ पे है, नाइट ऑफ पेंटेकल्स यहाँ पे है, जजमेंट यहाँ पे है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे है, किंग ऑफ वैंड्स। मैं सारी राशि नंबर्स बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड मुझे टाइम दे दीजिए। दिस इज़ द टावर कार्ड, आई होप यू कैन सी देम। यहाँ पे ही रख देते हैं, नहीं यहाँ पे लाइट आ रहा है, ओके यहाँ पे रख देते हैं। दिस इज़ द एट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस। ये सारे कार्ड्स को बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनुराशि हो सकता है आपका फायर साइन। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि। यहाँ पे किसी का नक्षत्र कृतिका हो सकता है, मघा हो सकता है, ओके, कृतिका स्ट्रांग है यहाँ पे। दूसरा है कि आपका स्कॉर्पियो हो सकता है, वृश्चिक राशि भी स्ट्रांग है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे स्ट्रांग फायर साइंस है,
वाटर साइन भी है, सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है। अर्थ साइन भी स्ट्रांग है, एयर साइन भी स्ट्रांग है, वाटर साइन भी स्ट्रांग है, लेकिन जो मेन साइंस में से है वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 10 10 10 हो सकता है, इस रीडिंग को देखने के बाद ही आपको 10 10 10 नंबर दिखाई दे, या 16 दैट इज 7। तो मंथ ऑफ जुलाई कैन बी इम्पॉर्टेंट। 88 या 888, यस इट यू कैन सी ऑटोमेटिकली, ये डेस्टिनी नंबर ही है 8। ओके, और किसी का हो सकता है डेट ऑफ लाइफ पाथ नंबर 8 हो, 7 हो, यहाँ पे 1 हो, लाइफ पाथ नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो 36 9 नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, या 36 किसी का एज हो सकता है। ओके, अच्छा, किसी का मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ, शायद आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो आप, या कहीं ना कहीं पे आप इस तरह से है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना या स्पेशली बाय फ्लाइट आपको बहुत अच्छा लगता है, या आप वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। अच्छा, बेसिकली जो मैं देख रही हूँ आपके भाग्य में क्या लिखा है और आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा इन अ पॉजिटिव वे, वो हम देख लेते हैं। देखो बेसिकली अगर हम यहाँ पे जाए, अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी है, ठीक है, जो बिल्कुल ख़त्म होगा, और आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ जितना भी पैसा धन दौलत शोहरत फेम रेपुटेशन आ जाए, कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से फील होता है कि यू फील डिसअपॉइंटेड, कभी कभी आप हताश हो जाते हो कि सब कुछ होते हुए भी आपको लगता है कि नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी, वो जो सुविधा है शायद आपके पास है, लोगों के पास नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं मानते हो। इन द फ्यूचर जो मुझे लग रहा है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मेंटल पीस, शांति, सुकून, चैन की नींद, सोना, वो भी बहुत बड़ा बात है फॉर नाउ ए डेज, क्योंकि हम पूरी तरह से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, सफलता प्राप्ति करेंगे, हमारे घर वाले हमारा साथ देंगे, तभी ना जाके हम सो पाएंगे ना शांति से। उसी तरह से मैं देख रही हूँ आपके जीवन में हर एक लक्ष्य को आप प्राप्त करने वाले हो, भले ही उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़े। यहाँ पे लियो और टॉरस, यहाँ पे एयर साइन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो विल ऑफ फॉर्चून है, ये जो देख रहे हो द आई, ये है भगवान जो है, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्सल आई है, वो आपके जो शौर्य है, आपके जो स्ट्रेंथ है, कभी कभार वो आपका टेस्ट भी ले लेते हैं। आपको लगता है कि इतना चुनौती क्यों आता है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। ये वर्ल्ड कार्ड की जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल वर्ल्ड कार्ड, डायरेक्शन गार्जियन चूज योर पाथ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे कन्फ्यूशन पे है कि कौन सा राह को चुनना है, कौन सा राह को रिजेक्ट कर देना है, विच अपॉर्चुनिटीज टू वेलकम, और कौन सा अपॉर्चुनिटी है जो रिजेक्ट कर देना है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है चारों तरफ से आपके पास सुविधा आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस दिखाई दे रहा है, मे बी विद इन 8 days 8 weeks या 8 months के अंदर आपके पास कोई स्ट्रांग, ठीक है, या मतलब अच्छी तरह से एक ऐसा सुविधा आएगा या ऐसा इन्फॉर्मेशन आपके पास आने वाला है जो अर्जेंटली आपको कहीं ना कहीं पे ट्रैवल करने के लिए मजबूर कर दे। आपकी जो ज़िंदगी है वो एक कैटरपिलर से लेके बटरफ्लाई तक का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ। आपका टारगेट ओरिएंटेड जॉब हो सकता है, मे बी आप यू आर इन सच अ कंपनी, कोई भी कंपनी देखो, मे बी यू आर इन अ टारगेट ओरिएंटेड जॉब, और आपको उसको उस टारगेट को फुलफिल करना होता है, और वो आपके लिए कॉन्स्टेंट हेडेक रहती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ब्रोकन एरो, एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस, यहाँ पे पीस दो दो बार आ रहा है, मतलब जब भी आपका टारगेट या कुछ भी ऐसा फिलअप नहीं होता है ना, आइदर प्रेशर दे देते हैं आपके बॉस, वो तो देंगे बिकॉज दैट इज़ द कंपनी, या अगर आप बॉस हो मे बी द ओनर ऑफ द कंपनी गिव्स यू प्रेशर, और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेडेक, माइग्रेन, इस तरह से आपके हेल्थ को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन आपको ऐसा धीरज रखना पड़ेगा, टॉलरेट आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, वरना आप अचीवमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अचीवमेंट ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी स्मूथ, यू हैव टू लिटरली फाइट फॉर इट, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज़्यादा, अगर है ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है
तो आपको और भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपका जो ओवरव्यू है, देखने का जो नज़रिया है ऊपर से, और भी कर, जिस तरह से देखो एक ईगल जो है ना ऊपर से वो जब दिखता है उसको क्लियरली दिखता है, तो आपको ओवरव्यू लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी मैटर आपके पास आ रहा है उसका पूरी तरह से आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। एंड यू नीड टू बी वेरी, अगर हो सकता है कि इन दिस चैलेंजेस में भी आपके बॉस, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या आपको उस तरह से, ठीक है, मुझे दिख रहा है हायर पोजीशंस अथॉरिटी मिल रहा है, आने वाले समय में आप और करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, शायद आप टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे हो, तो कोई भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब आपके लिए इन फ्यूचर काम आएगा, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, द वर्ल्ड, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इंटरनेट, ठीक है, इस तरह का कोई भी जॉब रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि रिगार्डिंग आई डू फाइंड कि यहाँ पे आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में ज़रूर ब्रेकअप हुआ है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सेपरेशन से जा रहे हो, या बातचीत होते होते बिगड़ जाती है, तैयार हो गया रिश्ता, डेट भी फिक्स हो गया फिर बिगड़ गया, इस तरह से आपको कुछ चुनौती है जो है ना आपको मेंटल डिस्टर्बेंस देती है, ये सब पर्सनल लाइफ, कहीं ना कहीं पे आपको ये याद रहेगा कि धीरे से ही सही, देखो धीरे धीरे जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आप प्लान करके जाओगे तो अचीवमेंट आप ज़रूर करोगे। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आप प्रार्थना करते हो और ये प्रार्थना जो है वो सुना जाएगा। यहाँ पे देखो अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, आप अफर्मेशन कर रहे हो, लक के ऊपर आपका भरोसा है, दिव्य शक्ति के ऊपर भरोसा है, और वहाँ से एक्सेप्टेंस आपका ज़रूर होगा। कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यूज़ रिगार्डिंग योर मैरिज रिलेशनशिप्स, आपके ऑफिस रिलेटेड कुछ, स्टूडेंट अगर आप हो तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जल्द से जल्द कुछ कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेजेस आपकी तरफ आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, खुशखबरी ज़रूर सुनाना है आपको, ठीक है। दूसरा है टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अनवांटेड रिलेशनशिप या कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स थे जो शायद आपका फ़ायदा ही उठाते गए, एक्सप्लॉयट करते गए, अब्यूजिव बहुत ज़्यादा था, तो आपने अपना हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया है। यू शुड नॉट डू दैट, हर एक इंसान सेम नहीं होते, एंड यू हैव टू बिलीव दैट प्यार फिर से आपकी जिंदगी में लौट के आ रही है विद अ रीबर्थ विद अ जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली यू विल गेट वट एवर यू डिज़र्व, आप जैसे डिज़र्व करते हो, ठीक है, जो भी डिज़र्व करते हो आपको वो मिलेगा, ठीक है। री इनकर्नेशन जो होता है ना, एक सोल एक बॉडी में फिर से जन्म लेते हैं, राइट, फिर से उनकी मृत्यु होती है फिर जन्म लेता है, तो दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो जो भी हुआ है, ठीक है, जो भी हुआ है आपके ज़िंदगी में वो एक बीता हुआ कल की तरह आपको समझ लेना है, वो चला गया और नो लॉन्गर इट एग्जिस्ट्स इन योर लाइफ। आपके मूड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, द क्यूब इज बोर्ड, कभी कभी आप खुश हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हो, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, ये सारे जो मूड फ्लक्चुएशन से आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है और कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका जो मेन टारगेट है, ठीक है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एक अपने बलबूते पे खड़ा होना है, लोगों को दिखाना है, यू वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड हु यू आर, तो वो आप कर पाओगे। जो मुझे यहाँ पे इतना पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहा है, क्योंकि मैं ना देख के हर एक पायल से ही रख रही थी, ठीक है, मैंने देख देख के तो नहीं रखा, मेडिटेट करके रखा है यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, यू विल बी इन दिस पोजिशन जहाँ पे यू विल फ्लाई। कुछ लोगों के लिए फ्लाइंग करियर ऑप्शंस एविएशन इंडस्ट्रीज, ठीक है, जिस तरह से लोग उड़ना पसंद करते हैं, ठीक है, एयरफोर्स, कोई भी फील्ड, ठीक है, इवन अगर आप कोई बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ करना चाहते हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े का कुछ, फैशन डिज़ाइनिंग, स्टाइलिश एक्सपर्ट, ठीक है, हो सकता है कंसल्टेंट एडवाइज़र, इस तरह के पोजीशंस आपके लिए बहुत सुटेबल रहेंगे। एंड आई डू फाइंड कि आपके अंदर जो जलवा है उसको आप दिखा पाओगे लोगों को, जलवा, ठीक है, वो दिखा पाओगे, एंड डेफिनेटली जो भी हुआ है आपके साथ उसको आप भूल के, ठीक है, आप हायर पोजीशंस की तरफ ज़रूर जाओगे, एंड डेफिनेटली भले ही लेट सही स्लो सही, लेकिन आप प्लान करके आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा जो एंग्जाइटीज़ है कन्फ्यूशन है
वो क्लियर हो जाएगा। जितना आप सोल जर्नी पे जा रहे हो, जितना आपका जो भी है, हर एक सोल का एक एक लाइफ पर्पस होते हैं। हर एक सोल का लाइफ पर्पस नहीं होता है कि लोगों को शिक्षा देना या लोगों के लिए गाइडेंस मोटिवेशन करना, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप पीस एम्बेसडर बन सकते हो इन फ्यूचर, जैसे लोग बनते हैं, लोगों के लिए काम करना, उनकी शांति, मन की शांति के लिए, ठीक है, कुछ काम कर देना उनके लिए जिससे उनकी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाए। शायद कोई एनजीओस, कुछ ऐसा कुछ चीज़ आप करोगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोग डायरेक्टर्स बनते हुए दिखाई दे रहा है, सीईओ, कॉर्पोरेट्स, एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजर्स, टीम लीडर्स, अपना बिजनेस का खुद का होना जहाँ पे आपका हुकूमत चलेगा। जो हो सकता है कि आप लोगों के अंडर काम नहीं करना चाहते, अगर ये आपके पार्टनर के लिए आप देख रहे हो तो अच्छा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यू विल बी ट्रैवलिंग, पर शायद कुछ लोगों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी सिर्फ आप अपना स्टडीज़ के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो एक गिफ्ट, एक कॉन्ग्रेचुलेशंस न्यूज़, एक बहुत बड़ा प्राप्ति, एक रिसीविंग द ब्लेसिंग्स, ये मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है। यहाँ से मुझे कुछ आपको बताना है, ओके, जिस चीज़ का हो सकता है कि आप बहुत दिनों का इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो ना हो के और भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ आपके लिए वेट कर रहा है। शायद वो ना हो के और भी बड़ा, शायद आपको लग रहा है कि गेट्स क्लोज हो गए हैं और मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं, उससे भी बड़ा, ओके, डायरेक्शन गाइडेंस चूज़ योर पाथ। शायद आप ऐसे रास्ता सिलेक्ट करोगे जो आपके हक में, मतलब आपके फेवरेबल सिचुएशन में जाएगा। यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं देखूँ, ओवरऑल सिचुएशन की बात करूँ, सिर्फ आप अपने इमोशंस को सिर्फ कंट्रोल करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बाकी सफलता आपके लिए है जो मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप अच्छे से संभालोगे, बाहर का भी आप संभालोगे, अपना हेल्थ भी आपका और स्ट्रांग होता जाएगा अगर हेल्थ इश्यूज़ भी है, ठीक है। और जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है प्रोटेक्शन, अगर आपको इस तरह से इनसिक्योरिटीज़ होते हैं कि मुझे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, या कहीं ना कहीं पर ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर, ठीक है, आपको लगेगा कि मेरे पास इतना धन है, दौलत है, शौहरत है, तो आई नीड टू गेट सम प्रोटेक्शन, सो ऑफ कोर्स यू विल हायर द सिक्योरिटी एजेंसीज। मैं रियल बात करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, जो मैं है मैं आपके फ्यूचर का बात कर रही हूँ, और अगर अभी का प्रोटेक्शन आप बता रहे हो तो यूनिवर्स इज ऑलवेज देयर टू गाइड एंड प्रोटेक्ट यू। अगर आप गलत रास्ता को सिलेक्ट कर रहे हो तो यूनिवर्स आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, शायद वो सिग्नल्स आप मिस कर रहे हो, प्लीज़ उनको सुनने की कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। और ऐसे ही मांगने से नहीं होगा, अगर आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू एक्ट ऑल्सो, आपको मतलब उस जगह पे काम भी करना है, प्रैक्टिकली भी आपको सोचना है और मैनिफेस्टेशन का आंसर्स आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर डेस्टिनी विच आई सी दैट वेरी पीसफुल, बहुत शांतिदायक, और बहुत ज़्यादा आप अच्छे पोजिशन में जा रहे हो, आपका फैमिली लाइफ भी सेटल हो रहा है, भले ही ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, ब्रेकअप होने के बाद सब कुछ सेटल हो रहा है, बिखरने के बाद फिर से वो बिल्ड हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप ए रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग। नाउ विल प्रोसीड फॉर ग्रुप नंबर बी। अगर आपने ग्रुप नंबर बी को भी सिलेक्ट किया था तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू कीजिए रीडिंग को। हाय हेलो ग्रुप बी, तो अगर आपने ये अम्ब्रेला को सिलेक्ट किया था, या आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया था, या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 22nd, 23rd, 25th, 27, 28 and 31st, तो एडिटिंग आपके लिए है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें, ठीक है। मैं एक करके कार्ड रख रही हूँ, आस्क फॉर हेल्प, मैं आपको दिखा के कार्ड रख रही हूँ, ask for help, ये आपने कार्ड को सिलेक्ट किया था। दिस इज द ग्रेट टीचर, दिस इज अ समर, इसके नीचे है ड्रम, दैट इज ड्रीम एंड जर्नी, सारे इजिप्शियन सिंबल्स है जो मैं यूज करती हूँ ना कैंडल वैक्स रीडिंग पे, अगर आपने देखा होगा कैंडल वैक्स रीडिंग्स में इजिप्शियन सिंबल्स है, पैगन सिंबल्स है,
मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेरेनिटी, यहाँ पे है क्लेंजिंग वाटर्स, क्रॉसिंग ब्रिजेस, तो एक्स्ट्रा गाइडेंस कार्ड यहाँ पे आया है, लर्न फ्रॉम लाइफ, ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स, दो बार आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, देखा भी नहीं मैंने, मैं देखती नहीं हूँ, थ्री ऑफ वैंड्स एंड आई डू हैव द नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे आपके साइंस हो सकते हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आई होप यू कैन सी देम, यहाँ पे रख देते हैं ऐसा करके। इस कार्ड्स के बारे में मैं बहुत सारा डेक्स है ना, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ओके। कुंभ मिथुन तुला राशि है यहाँ पे, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, थ्री ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, पाइस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, तो सारे साइंस यहाँ पे आ चुका है। इंपॉर्टेंट साइन में से है 1, 3, 9, नंबर्स में से है 1, 3, 9, 11, 11 हो सकता है कि आप देखो, ठीक है। देखो दो बार एस ऑफ पेंटिकल्स आने का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस है कि आपके लाइफ में ऐसा कोई, ठीक है, बिल्डिंग एनर्जी, ऊपर से क्या है थ्री ऑफ वैंड्स, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई रिलेशनशिप का, कोई एक जॉब ऑफर लेटर का, या आप जाना चाहते हो बाहर, आपके मन की जो कामना है, प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकता है, आपकी मतलब ग्रोथ रिलेटेड हो सकता है, सुख हो सकता है, संपद हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रिलेटेड हो, बहुत टाइम से आप प्रतीक्षा कर रहे थे और आपको लग रहा था कि हमेशा आपके साथ ऐसा हुआ है कि ऑप्शंस तो आए हैं या चॉइसेस तो आए हैं लेकिन वो सूटेबल नहीं है, जो आपके प्रोफाइल के साथ है वो शायद मैच नहीं करते, कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपके तरफ आ रहा है, आई डू फाइंड, और वो एवर लास्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फर्न लीफ है, फर्न का जो पत्ता होता है या फर्न का जो पेड़ होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, या कोई भी इस तरह का पेड़ है जो आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, सिर्फ आपको सपोर्ट ही नहीं दे रहा है, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, यहाँ पे जो है ना आपके बाल जो है मतलब इस तरह से है कि आप बहुत परेशान हो, जब हम बहुत परेशान होते हैं या शॉक्ड होते हैं ना, हमारे बाल इस तरह से ऐसे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्यों ऐसा होता है कि हम अपने लाइफ में सिक्योरिटी स्टेबिलिटी अगर नहीं मिलता है तो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम तो सोल के हिसाब से अभी नहीं देख रहे ना, हम ह्यूमन बॉडी में हैं, राइट, शरीर में है, आत्मा तो वो डरते नहीं हैं किसी से, बट शरीर जो है, मन जो है वो क्या करे, तो वो तो सिक्योरिटी ढूंढेगा ना, एज पर द अब्राहम मास्लोज थियोरी ऑफ मोटिवेशन, आप पढ़ लेना, ठीक है, मैनेजमेंट का एक लाइन है, हमेशा एक ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन बीइंग्स जो है वो हमेशा सिक्योरिटी ढूंढेंगे, किसी से सहारा ढूंढेंगे, भले ही वो जितना भी काबिल क्यों ना हो, उसको हमेशा वीकनेस फील होगा, उसको हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए होगा, जो आप चाहते हो कि यू शुड बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अकेलापन का महसूस होता है, बट इन फ्यूचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर रहे हो, एंड डेफिनेटली यू आर बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर, अगर मैं देखूँ आपके डेस्टिनी, आप और भी स्ट्रांग होते जा रहे हो, और भी नॉलेजेबल होते जाओगे, और भी लर्निंग एक्सपीरियंस जो है और भी अच्छा होता जाएगा, और आप उस जिस पोजिशन के लिए काबिल हो, हायर अथॉरिटी, फेम, फॉलोअर्स, जो भी है उसके लिए जो आप हकदार हो वो आपको मिलेगा, ठीक है, भले ही आप अभी जो है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कुछ लोग यहाँ पे आप थोड़ा सा शाई और इंट्रोवर्ट इसलिए हो क्योंकि आपको लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, मैं क्या बता दूंगी, तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलते हो, सोच समझ के बोलना अच्छी बात होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें भी करना ठीक है, क्योंकि जो सामने वाला है वो आपको टिकट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो होना नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू सेटअप, न्यू बिजनेस, चेंज इन करियर, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस,
पैसा, दिस इज द गोल्डन कॉइन विच इज कमिंग इन योर लाइफ एज अ मेजॉरिटी। फाइनेंशियली अगर आप बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हो, अगर आपके पास बिजनेस में भी प्रॉफिट नहीं है या सैलरी अच्छा खासा नहीं है लेकिन काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, मन लगा के कर रहे हो, तो भी वहाँ पे मुझे दिख रहा है। स्टडीज़ के लिए कुछ लोगों के अब्रॉड जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, या दूसरा कॉलेज यूनिवर्सिटी, मतलब आप अपने घर से निकलना चाहते हो और नहीं रहना मुझे, घुटन हो रही है, नहीं रहना मुझे और एक्सपीरियंस करना है। शायद जॉब के लिए भी आप बाहर जाओ, एट अ वेरी यंग स्टेज मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे आप अपना करियर को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। लव रिलेशनशिप अनुसार अगर हम देखें, जिस किसी का भी आप वेट कर रहे हो, देयर इज अ चांस दैट यू विल मीट दिस पर्सन। सिर्फ आप मुझे यहाँ पे ये दिखना है कि दरारें यहाँ पे है जो आपको क्रॉस करना है, ठीक है। आपको डरना नहीं है कि ब्रिज के इस पार क्या रहेगा, आपको सिर्फ क्रॉस करना है। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग एंड प्यूरिफिकेशन। इस वक्त आपके सोल को प्यूरिफाई आप खुद करोगे। इस दौरान ये डेस्टिनेशन जो है, ये डेस्टिनी जो है, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, जितना आप ट्रैवल करोगे, मतलब जितना आप जिंदगी का, आपका जो एज बढ़ता जाएगा उतना आप सीखते जाओगे। आपका सोल जो है बहुत प्यूरिफाइड है, ऑलरेडी बहुत प्योर सोल है, लेकिन उसको और सीखना है, उसको और तजुर्बा करना है। मुझे लग रहा है मेडिटेशन, योगा, हीलिंग थेरेपी, ओके, एज वेल एज यू कैन से हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और भी जो भी कोर्सेज होते हैं, मास्टर्स, ओके, एज वेल एज PhDs, रिसर्चेस, ओके, पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी, सिर्फ डॉक्टरल प्रोग्राम्स नहीं, पोस्ट डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी आपके लिए सुटेबल होगा जो लोग करना चाहते हो। एंड अगर किसी का मन है कुछ लोगों के लिए कि मुझे यहाँ पे लोगों को सिखाना है, ठीक है, लोगों को मुझे नॉलेज देना है, ज्ञान बांटना है, खुद का कोचिंग सेंटर्स करने हैं, खुद का लर्निंग एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करना है, वो आप करोगे। एज अ टीचर आई डू फाइंड कि आपका सिर्फ लर्न फ्रॉम द स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, मे बी आप खुद सीख भी रहे हो, मे बी यू आर अ क्लैरिफाइंट, मे बी यू आर अ यू कैन से दैट स्पिरिचुअल एडवाइजर। आप और सिखाओगे लोगों को और आप राह दिखाओगे, जो भटकते हुए लोग हैं, जो अपने रास्ते से भटक गए हैं, उसको आप सही गाइडेंस दोगे। क्योंकि आपका जिस तरह से मैं पहले से देख रही थी, एज कम्पेयर टू पाइल टू में इस तरह से है कि उनका जो ड्रीम एंड जर्नी है, इट्स बेसिकली मोर ऑन गाइडेंस, ठीक है। खुद सीखना, खुद का तरक्की करना, खुद सक्सेस लेवल तक पहुंचना और लोगों को भी साथ लेते जाना, दैट इज द जॉब ऑफ अ लीडर एंड दैट इज द जॉब ऑफ अ टीचर ऑल्सो एट द सेम टाइम। ये लीडरशिप क्वालिटी से वैसा नहीं है, खुद ऐसा बन दिखाना है कि नहीं, मैं हूँ, मैं ही हूँ और मैं ही हूँ। नो, अ रियल लीडर इज वन हु सेज यस वी आर ऑल इन अ टीम। अ रियल लीडर डज नॉट से आई डू द वर्क, अ रियल लीडर सेज वी डू द वर्क, वी आर द फैमिली, वी आर द टीम मेंबर्स। जो हम लोग किए हैं, एक साथ किए हैं, वो कभी भी अपना क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं। जो आप लोग हो वो है खुद काम भी करते हो लेकिन क्रेडिट आपने किसी का तो दूर की बात है, अपना खुद का काम का भी क्रेडिट आप नहीं लेते हो। आप बोलते हो नहीं, सब लोग मदद करेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो इन फ्यूचर यू विल ऑल्सो डू दैट, बिकॉज यू विल लर्न कि टू शेयर एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो अ लव, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं ना कि शेयर करें, सब कुछ चीज़ शेयर करें लोगों के साथ, तो ही आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। आप लोगों के साथ बांटोगे, उनका दर्द भी सुनोगे, उनके हंसी खुशी के दिन में भी रहोगे, तो भी आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। और सबसे बड़ा बात है कि यूनिवर्स की तरफ से इतना बड़ा जो प्रोटेक्शन है, चाहे आप ना गलत जगह पे भी भटक जाओ ना, खुद अंदर तक आपके इंट्यूशन आपको सही राह ऑलरेडी दिखा देगा। सम मैसेजेस आर डेफिनेटली कमिंग फॉर यू एंड योर डीप लर्निंग नॉलेज, वो आपके लिए आ रहा है। तरक्की, अचीवमेंट्स, प्यूरिफिकेशन, हीलिंग, अगर आपके बुखार चल रहे थे या फीवर या कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म आपको फेस करना पड़ रहा था कोई भी इलनेस, तो वो भी दूर हो रहा है। अगर आपके फैमिली में भी कोई है तो भी ऐसा है, कोई लोग सर्जन बन रहे हैं यहाँ पे। बैंकिंग सेक्टर्स, प्रोफेशनल एडवाइजर्स, कंसल्टेंट्स,
इस तरह से बिजनेस आपके लिए अच्छा रहेगा। एस्ट्रोलॉजर्स, ठीक है, न्यूमरोलॉजिस्ट्स, हीलर्स, टीचर्स, डीन, एडमिनिस्ट्रेशंस, इस तरह का जॉब्स, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत सूटेबल रहेगा आपके लिए। मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लियर अगर करना चाहते हो गवर्नमेंट जॉब्स, तो यस इट्स देयर। स्पेशली अगर वो रिलेट करता है एजुकेशन सेक्टर्स में, जिस तरह से होता है ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, अगर आप एजुकेशन सेक्टर सिलेक्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। कॉमर्स सेक्टर, पता नहीं मेरे मुंह से क्यों चैनलाइज हुआ, कॉमर्स सेक्टर्स जैसे एम कॉम अगर आप करना चाहते हो, बी कॉम, एम कॉम, उसके बाद अगर रिसर्च करना है या कोई भी कंपनी में यू वांट टू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट और द कॉर्पोरेट सेक्रेटरी, इस तरह के कोई पोजिशंस आपके लिए अच्छे होंगे। लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा होगा, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे एंड डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको मिलेगा। अगर हम आपके पार्टनर की बात करें, एवरग्रीन रिलेशनशिप यू आर गोइंग टू रिसीव। यहाँ पे एवरग्रीन रिलेशनशिप, एक न्यू, पता नहीं मुझे क्यों, आदर एक न्यू कनेक्शन आ रहा है आपके लिए या न्यू बिगिनिंग उसी पर्सन के साथ जो आपके साथ रिश्ता था, इसी तरह से दिख रहा है, बट न्यू बिगिनिंग का चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ वेयर आई एम एंडिंग द रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपर्ट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज एंड लव यू अ लॉट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच।